हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉर्बेट लोर्स चैनल पर। ओमली गोला के दूसरे भाग को आज आप सुनेंगे। पहले भाग में मैंने आपको एरिस्टोक्रेट बाघ के बारे में बताया था, जो मनभड़ किस्म का बाघ था, जो जंगल में आने जाने वाले लोगों का रास्ता रोक लेता था और वो आकार में अन्य बाघों के मुकाबले कुछ बड़ा था। एंडरसन ने जब पहली बार इस बाघ के बारे में सुना था, तब उनका भी मन हुआ कि वो इस बाघ को देखने जाएं। जिस दिन वो ओमली गोला के लिए निकले थे, उसी रात उनको रास्ते में बाघ और उसकी साथी बाघिन दिखाई पड़े थे। एंडरसन बाघ और बाघिन के बीच में खड़े थे, फिर भी बाघ ने उन पर हमला नहीं किया था। अगले दिन फिर उनको बाघ और बाघिन दिखाई पड़े थे, जिन्होंने एक ही रात में चार हिरणों को मार डाला था। चार हिरणों की लाश देखकर एंडरसन घबरा गए थे और वो बाघ बाघिन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे। उस दिन भी बाघ ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। तीसरे दिन एंडरसन ने रमैया से कहा कि उनकी ख्वाहिश बस उस बाघ को देखने की थी, जिसके बारे में उन्होंने कई चर्चे सुने थे। अगले दिन एंडरसन बेंगलोर लौट आए थे। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में सुनी थी। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक हफ्ते बाद उन्हें रमैया का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि इस बाघ का दुस्साहस बढ़ चला था। उसने अब रमैया के दोनों बैलों को ही मार डाला था, जबकि उसने एक भी बैल को खाया नहीं था। बिना भूख के ही वो बाघ पालतू मवेशियों को मारते जा रहा था और अगर अब उसे रोका ना गया तो उस गाँव के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। एंडरसन ने रमैया के इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। एंडरसन तब तक उस बाघ को नहीं मानना चाहते थे जब तक वो किसी इंसान को मारने की कोशिश न करे। बाघ ने अभी तक किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया था। एंडरसन के न आने पर रमैया ने अपने बैलों की हत्या का बदला लेने के लिए खुद उस बाघ को मारने का जिम्मा उठाया। उसने पास के गाँव से किसी आदमी से उसकी राइफल उधार ले ली और बाघ द्वारा अक्सर प्रयोग किए जाने वाले रास्ते के किनारे राइफल लेकर बैठ गया। वो पेशेवर शिकारी तो नहीं था, इसलिए वो नासमझ छर्रे वाली बंदूक लेकर वहाँ बैठा था, जिससे बड़े जानवर का शिकार नहीं किया जा सकता था। वो अकेले ही रास्ते के किनारे ऊंची घास में दुबक कर लेट गया। वो हिम्मत करके वहाँ लेट तो गया था, लेकिन हल्की सी भी आहट होने पर वो डर जाता। शाम होने ही वाली थी और जंगल सन्नाटे में सराबोर था। उसका मन कर रहा था कि वो वापस दौड़ के गाँव चले जाए, तभी उसे सामने से एरिस्टोक्रेट बाघ आते हुए दिखाई पड़ा। रमैया ने बाघ को पास आने दिया और उस बाघ के मुंह पर ही निशाना लगाकर फायर कर दिया। बाघ का मुंह छर्रे लगने से बुरी तरह घायल हो गया था। उसके जबड़े का कुछ मांस फटकर बाहर लटकने लगा। बाघ जिस रास्ते इधर आ रहा था, वो उसी रास्ते वापस लौट गया। रमैया भी अपने गाँव लौट आया और उसने खुशी खुशी गाँव वालों को बताया कि उसने अपने बैलों की मौत का बदला उस बाघ से ले लिया है। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक बाघ शांत रहा था और सभी ने मान लिया था कि वो बाघ मारा गया है, लेकिन रमैया की इस हरकत ने बाघ को बस घायल किया था। उसके घाव गंभीर जरूर थे, लेकिन जानलेवा नहीं थे। वो कई दिनों तक दर्द से तड़पता रहा था। जब उसके घाव कुछ ठीक हो गए थे, लेकिन वो अपना नेचुरल भोजन जंगली जानवरों को नहीं मार सकता था। उसको अब मवेशियों से भी ज़्यादा आसान शिकार ढूंढना था। ऐसे में सबसे ज़्यादा आसान शिकार इंसान ही थे। एक दिन दो आदमी ओमली गोला की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें पीछे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। बाघ को देखते ही उन्होंने तेज आवाज़ में बातचीत करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी आवाज़ सुनकर बाघ अपना रास्ता बदल दे। वो दोनों आगे बढ़ने लगे। दो मोड़ पार करने के बाद उन्होंने पीछे पलट कर देखा, बाघ अभी भी उनका पीछा कर रहा था और पहले से ज़्यादा नज़दीक था। अब वो समझ गए कि बाघ का इरादा उनका शिकार करना ही है। उन दोनों ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाघ भी छलांगे मारता हुआ उनके पास तक पहुंच गया था। तभी उन दोनों में से एक आदमी ठोकर लगकर नीचे गिर पड़ा। दूसरे आदमी ने दौड़ना जारी रखा और जब वो कुछ दूर निकल आया तो उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके साथी की गर्दन बाघ के मुँह में थी। बाघ ने एक झटके में ही उस आदमी की गर्दन को मरोड़ डाला था। दूसरा आदमी हाँफते हुए ओमली गोला पहुंचा और वहां सबको बताया कि उसके साथी को बाघ ने मार डाला है। उसके बताए अनुसार बाघ के मुंह पर काफ़ी गंभीर घाव लगे थे, जो रमैया की गोली से हुए थे, और शायद उसकी एक आंख भी फूट गई थी। उसके बाद तो जैसे उस बाघ ने इंसानी हत्याओं की झड़ी लगा दी। उसी गाँव में एक आदमी रहता था जिसका नाम बोभन था। एक दिन वो पास के शहर से अपने परिवार के लिए खरीदारी करने गया हुआ था। घर से आते समय उसकी छोटी बच्ची ने उससे एक जोड़ी चप्पल लाने के लिए कहा था।
हालांकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे, फिर भी वो बाजार से लौटते हुए काफ़ी खुश था क्योंकि उसने अपनी फूल सी प्यारी बच्ची के लिए चप्पल खरीदे थे। वो मन ही मन कल्पना कर रहा था कि नए चप्पल को देखकर उसकी बेटी की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौट सका। बीच रास्ते में ही बाघ ने उसको मार डाला। ऐसे ही कई इंसानों को उसने शिकार बनाया और कभी भी वो अपने शिकार पर वापस नहीं लौटता था। इन सब का दोषी सभी लोग रमैया को ही ठहरा रहे थे, क्योंकि उसने जब से उस बाघ को घायल किया था तभी से वो इंसानों के पीछे पड़ गया था। उससे पहले वो सिर्फ मवेशियों को ही अपना शिकार बनाता था। रमैया ने अपनी गलती मानी और खुद एंडरसन को एक पत्र लिखा और बताया कि कैसे उसकी बेवकूफ़ी के कारण इतने सारे लोगों की जान पर बनाई थी, और अगर एंडरसन ने इस बाघ को नहीं मारा तो हो सकता है एक दिन गांव के लोग रमैया को ही जंगल में बाघ के लिए बांध है। ये खबर पढ़ते ही एंडरसन ओम्लीगोला के लिए निकल पड़े। पिछली बार जब वो यहाँ आए थे तब दो मौक़ों पर बाघ ने एंडरसन की जान बख्श दी थी। अब हो सकता है एंडरसन को ही उसकी जान लेनी पड़े। शाम के समय एंडरसन टगारती पहुँच गए थे और पिछली बार की तरह वो ओम्लीगोला के लिए पैदल चल पड़े। पिछली बार जब वो यहाँ से गुजरे थे तब उनको इतना डर नहीं लगा था, लेकिन इस बार वो आदमखोर बाघ के इलाके से गुजर रहे थे। वो सजग होकर आगे बढ़ते रहे और सुरक्षित ओम्लीगोला पहुँच गए। रमैया के वहाँ उन्होंने रात का खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह वो नाश्ता करने के बाद ये सोच ही रहे थे कि वो किस दिशा में उस बाघ को खोजने जाएं। वो जंगल बहुत बड़ा था। तभी वहाँ पर दो लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि बाघ ने उनके साथी को पिछली रात मार डाला है। एंडरसन ने उन दोनों आदमियों को साथ ले लिया और आगे बढ़ने लगे। जंगल काफ़ी घना था और उन्हें लगभग 10 मील चलकर जाना था। जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने ही वाली थी। उनको उस आदमी की अधखाई लाश भी मिल गई जिसके पास एक पेड़ पर उन्होंने मचान बंधवाया। मचान बांधते बांधते शाम ढल चुकी थी और अंधेरा होने ही वाला था। एंडरसन ने उन दोनों आदमियों को वापस गांव भेज दिया और खुद मचान पर चढ़कर बैठ गए। मचान पर बैठने के बाद उन्होंने रस्सी से बांधी गई राइफल को भी अपने पास मचान पर खींच लिया। अंधेरा बढ़ चला था और एंडरसन इस दुविधा में थे कि कहीं बाघ ने मचान बांधते हुए उन आदमियों को देख तो नहीं लिया। अगर उसे मचान पर एंडरसन के बैठने का आभास हो गया होगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। एंडरसन के पास इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। एंडरसन बिना हिले डुले नीचे जमीन पर एक टक देख रहे थे। पेड़ से 10 फुट की दूरी पर उस आदमी की लाश पड़ी थी। कुछ समय बाद एंडरसन को ऐसा लगा कि जिस पेड़ पर वो बैठे थे ठीक उसके नीचे कोई जानवर आकर खड़ा हो गया। एंडरसन समझ चुके थे कि वो जानवर और कोई नहीं बल्कि वही बाघ है। कुछ देर तक बाघ पेड़ के नीचे खड़ा रहा, फिर थोड़ी देर बाद वो लाश की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरी रात होने के कारण एंडरसन को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वहाँ पर घटित होने वाली बाघ की हरकतों का वो कान से आवाज़ों को सुनकर आकलन कर रहे थे। बाघ लाश पर पहुँच चुका था, लेकिन अभी उसने लाश को खाना शुरू नहीं किया था। तभी एंडरसन को एक और बाघ के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो बाघ गुर्राता हुआ सामने से लाश की तरफ ही बढ़ रहा था। एंडरसन सकते में आ गए। उन्होंने सोचा शायद ये बाघ की साथी बाघिन है, लेकिन ये क्या, वो दोनों आपस में गरजते हुए टूट पड़े। अब एंडरसन समझ गए थे कि वहां पर क्या हुआ था। जो बाघ पहले लाश पर पहुंचा था वो बाघ नहीं बल्कि एक लेपर्ड था, और बाघ जब सामने की तरफ से लाश पर आ रहा था तो उसने देखा कि उसके शिकार पर कोई और टूटा पड़ा है, तो वो क्रोधित होकर उस पर झपट पड़ा। पूरा जंगल इन दोनों जानवरों की गर्जना से गूंज गया। एंडरसन चुपचाप पेड़ पर बैठे बैठे इस लड़ाई के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। ये लड़ाई कुछ देर तक यूं ही चलती रही। फिर उनको ऐसा लगा कि जिस पेड़ पर वो बैठे थे उसी पर लेपर्ड चढ़ने की कोशिश कर रहा है और बाघ लाश के पास लौट गया है। कुछ देर तक वहाँ पर सन्नाटा पसरा रहा। फिर एंडरसन को बाघ द्वारा लाश को चीरने फाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बाघ ने तेंदुए को खदेड़ दिया था और वो तेंदुआ उसी पेड़ पर आ चढ़ा था जिस पर एंडरसन बैठे थे। एंडरसन इसी पल का इंतजार कर रहे थे जब वो बाघ शांत होकर लाश को खाना शुरू कर दें। एंडरसन ने राइफल का मुंह लाश की तरफ किया और उस पर लगी टॉर्च जला दी। टॉर्च की रोशनी में वो देखते हैं कि वही
एरिस्टोक्रेट बाघ उस आदमी की लाश पर बैठा है। एंडरसन ने उसके अगले पैर के ठीक जड़ पर दिल को निशाना लगाते हुए फायर कर दिया। गोली लगते ही बाघ उछल पड़ा और जमीन पर पीठ के बल लेटकर छटपटाने लगा। तभी एंडरसन ने दूसरी गोली उसके सीने के पास उतार दी। गोली लगते ही बाघ के शरीर की गतिविधि खत्म हो गई। इसका मतलब था वो मर चुका था। अब एंडरसन ने ठीक अपने नीचे पेड़ पर मौजूद लेपर्ड पर निशाना साधा। टॉर्च की रोशनी लेपर्ड के मुंह पर पड़ रही थी और वो भी टॉर्च की तरफ ही देख रहा था। एंडरसन ने उसके माथे के बीचों बीच एक गोली दाग दी। गोली लगते ही वो लेपर्ड जमीन पर गिर पड़ा। एंडरसन ने एक ही गोली में उसका काम तमाम कर दिया था। एंडरसन अब राहत की सांस ले रहे थे। उन्होंने पेड़ पर बैठे बैठे अपने जेब से माचिस और सिगरेट निकाली और सिगरेट का आनंद लेने लगे। दो सिगरेट पीने के बाद वो मचान से नीचे उतरे और टॉर्च जलाकर गांव की तरफ चल पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि रमैया उनका इंतजार कर रहा था। रमैया ने गांव के और लोगों को इकट्ठा किया और रात में ही बाघ और लेपर्ड की लाश को जंगल में से लाया गया। पूरी रात उस गांव में बाघ के खात्मे की खुशी में जश्न मनाया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस प्रकार की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्यार बनाए रहिए। नमस्कार।